बीकानेर में एक साथ दो हादसे सामने आए हैं और दोनों ही बस बारातियों से भरी हुई थी और दोनों ही बसें ट्रक से टकरा गई। दोनों हादसे अलग अलग जगह हुए हैं। श्री डोंगरगढ़ के बिदासर गांव के पास शनिवार रात करीब 2:30 बजे एक अज्ञात ट्रक ने मिनी बस को टक्कर मार दी। यह बस बारातियों को लेकर रतनगढ़ की तरफ जा रही थी। बस में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 18 लोग घायल हो गए। इस भयानक हादसे की वजह से कोहराम मच गया, दोनों वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। घायलों को निजी वाहनों से पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर भिजवाया गया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल पहुंचे पर एक और घायल मरीज की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है। वहीं माजन से करीब 36 किलोमीटर दूर अर्जनसर गोपालसर संपर्क सड़क पर शनिवार को दिन में बारात लेकर जा रही एक बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई, जिससे बस में सवार करीब 8 सवारियों के हल्की चोट आई। जानकारी के अनुसार रावतसर से बारात लेकर जा रही बस अर्जनसर से आगे गोपालसर के पास सामने आ रहे ट्रक से टकरा गई, जिससे बस में सवार कई लोग घायल हो गए। दोनों वाहन सामने से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में बस में सवार अर्जुन सिंह, सुमेर सिंह और दीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में रेफर किया गया। घटनास्थल रजियासर थाना क्षेत्र का है।